काफी देर सोचने के बाद मैं मेरा पर्सनल फेवरेट फेस पैक लेके चली आई हूँ, वो है ये वाला। इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है मेरा फेस, तब क्या ही बोलूं। हेलो ग्लैमस्टर फैम, वेलकम टू ग्लैमस्टर क्रिएशन एंड आल्सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। मेरे सब्सक्राइबर लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिनों से रेगुलर बेसिस में सिर्फ और सिर्फ मेकअप वीडियो कर रही हूँ एंड थोड़ा बहुत काम भी रह रहा है मुझे बाहर, जिस वजह से निकलना पड़ रहा है। विंटर का मौसम है एंड स्किन का एक्स्ट्रा ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा स्किन केयर कर लूं। एंड देन मैंने सोचा कि जब स्किन केयर कर ही रही हूं तो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर लूं। एंड ये वाला वीडियो कोई भी रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो या एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ वीडियो नहीं होने वाला, बिकॉज मैं आज जो जो प्रोडक्ट यूज करूंगी उसमें से आधा से ज्यादा प्रोडक्ट मेरे लिए नया है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ एंड फर्स्ट यूज में कुछ भी समझ में नहीं आता किसी भी प्रोडक्ट का। दो तीन बार यूज करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देना सही होगा मेरे लिए। एंड ये वाला वीडियो काइंड ऑफ चिट चैट टाइप ऑफ वीडियो होने वाला है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ मेरे फेस को क्लीन, एंड क्लीन करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक फेस वॉश। एंड मैं कुछ दिनों से ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ, ये है गुड वाइब्स का हनी फेस वॉश। एंड सच बताओ तो ये वाला फेस वॉश विंटर के सीजन पे ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट फेस वॉश है, बट मैं अभी ये वाला फेस वॉश यूज नहीं करने वाली हूँ। मैं यूज करने वाली हूँ डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश मैं यूज करने वाली हूँ बिकॉज मेरा कुछ जगह पे एक दो पिंपल हो रखा है एंड सैलिसिलिक जो एसिड होता है वो एक्टिव एक्ने के लिए परफेक्ट होता है। सो ये वाला फेस वॉश ही मैं अभी यूज करूंगी एंड ये वाला फेस वॉश मेरे लिए नया है, मतलब फर्स्ट यूज है ये मेरा। एंड आप लोग देख सकते हो अभी भी ओपन भी नहीं किया है हमने। प्रॉपर वटरी सा जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसका, देख सकते हो आप लोग, एकदम ट्रांसपेरेंट सा कंसिस्टेंसी है इसका। ओके, लगता है बहुत ज्यादा ही ले ली हूं। कुछ भी फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, काफी अच्छा है। डर्माको का प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज किया है एंड डर्माको का प्रोडक्ट काफी अच्छा होता है। सो फेस को धो के आ गई हूं मैं एंड बहुत ही हल्का हल्का सा इसे आपको रगड़ना नहीं है। आप जब भी फेस वॉश करो ऐसे मतलब खींच खींच के मत इसे पोछा करो एंड थोड़ी देर तक पानी को रहने दो, उसके बाद ही। पहले मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा इसके बाद मसाज क्रीम यूज कर लेती हूँ, बट मुझे पिंपल हो रखा है एंड इसमें मसाज क्रीम यूज करना सही नहीं होगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कोई भी फेस पैक यूज कर लेती हूँ। बट अभी भी मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन सा फेस पैक मैं यूज करूँ, सो देखते हैं। सो काफी देर सोचने के बाद मैं मेरा फेवरेट फेस पैक लेके चली आई हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पे रबर लगाया हुआ है, बिकॉज ये कटा हुआ है पैकेट, इसमें कॉफी है। सो पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कॉफी फेस पैक, एंड सच बताओ तो एक्टिव एक्ने के लिए परफेक्ट होता है कॉफी। सो मैं थोड़ा सा कॉफी ले लूंगी प्लेट पे, थोड़ा सा ही लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, बिकॉज
पूरा फेस पे मैं आज नहीं लगाने वाली हूँ, सो इतना सा ही लिया है मैंने पिंच ऑफ। एंड देन मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल, कोई सा भी एलोवेरा जेल आप लोग ले सकते हो। सो थोड़ा सा ले लिया है मैंने एंड इसे कर दूंगी मिक्स मिक्स मिक्स। इसमें आप लोग चाहो तो विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, या इसे एलोवेरा जेल ना रहे तो आप लोग गुलाब जल के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हो। सो इसके बाद मैं क्या करूंगी, सिर्फ जहां जहां पे मुझे पिंपल है वहीं वहीं पे से लगा दूंगी, पूरे फेस पे नहीं लगा कभी भी चलेगा, इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है मुझे फोन पे। सो फेस पैक तो लगा चुकी हूँ एंड थोड़ा सा मैंने नाक पे भी लगा लिया, बिकॉज थोड़ा बहुत व्हाइट हेड भी हो रखा है इसीलिए मैंने नाक पे भी लगा लिया है। एंड जब तक ये सूखता है तब तक मैं क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी एक लिप स्क्रब एंड ये है सीर सीक्रेट्स का लिप स्क्रब, इसे मैं यूज करूंगी अभी एंड ये भी मेरा फर्स्ट यूज है। एंड इसमें है रंबूटन डेट्स एंड लिकोरश है इस पे एंड काफी मीठा मीठा सा इसका स्मेल है एंड इसका टेक्सचर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ऐसा देखने में होता है, इसका स्मेल बहुत अच्छा है। काफी थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाया मुझे एंड मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा ही प्रोडक्ट ले लिया है, इतना भी प्रोडक्ट साइड नहीं लगा। एंड इसे मैं थोड़ा सा भी क्लीन कर लूंगी इसलिए मैंने कॉटन ले लिया है एंड इसे थोड़ा सा गीला कर लूंगी एंड एक बात बताओ, लिप स्क्रब यूज करने के टाइम पे थोड़ा बहुत मेरा मुंह के अंदर भी चला गया था एंड काफी मीठा मीठा सा है, मुझे लग रहा था कि मैं पूरा चाट के खा ही ना जाऊं। मेरा फेस पैक भी ऑलमोस्ट सूख चुका है एंड अभी मैं इसे भी क्लीन कर लूंगी वेट वाइप्स की मदद से। सो मेरे फेस को अच्छे से धो के चली आई हूँ। सो अभी मुझे बहुत ही अच्छा सा हाइड्रेशन की जरूरत है बिकॉज मैंने पहले फेस वॉश यूज किया है देन मैंने फेस मास्क यूज किया है। सो अभी मैं सोच रही हूँ एक शीट मास्क ही यूज कर लेती हूँ। सो मैंने लिया है ये वाला शीट मास्क, ये है ऑल मास्क कैरियर कॉस्मेटिक्स ब्रांड का ये वाला शीट मास्क है। इसमें है नीम तुलसी टर्मरिक एंड जो चीज एक्टिव एक्ने के लिए काफी अच्छा है, मैंने आज ठान ही लिया है मेरा जो पिंपल आया हुआ है उस पिंपल को मुझे मतलब आज मर्डर ही कर देना है। सो ये वाला शीट मास्क मैं अभी यूज करने वाली हूँ एंड ये भी मेरा फर्स्ट यूज है। कितना ठंडा ठंडा फील हो रहा है मुझे इसको निकाल के, या निकल चुका है। अबे यार खुल जा, क्या यार okay.
सच बताओ ये वाला शीट मास्क मेरे फेस के हिसाब से काफी अच्छा है, मतलब परफेक्ट है मेरे फेस शेप में, परफेक्टली बैठ गया मेरे फेस पे। सो इसे मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, देन 15 मिनट बाद मैं आती हूँ। 15 मिनट बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो 15 मिनट तो हो चुका है, अभी मैं इसे उतारने वाली हूँ। वाओ व्हाट अ ग्लो, व्हाट अ ग्लो। सच बताओ मुझे नींद आ रही थी, मतलब इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था। सो इससे मैं हल्का सा मसाज कर लूंगी फेस पे, जैसे कि फेस पे पूरा अब्सॉर्ब हो जाए। इसमें मतलब भर भर के सीरम दिया हुआ है इस शीट मास्क में। अभी भी काफी सारा मतलब सीरम है पैकेट के अंदर। अभी थोड़ा सा इसे फेस पे अब्सॉर्ब होने देंगे, देन बाद में मैं मॉइस्चराइजर वगैरह लगाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लेती हूँ, बिकॉज लिप स्क्रब के बाद मैं लिप बाम नहीं लगाई थी। सो लिप बाम के लिए मैं ये वाला लिप बाम यूज करने वाली हूँ। ये है सेज एपोथेकरी का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ओके सो ये वाला लिप बाम मैं बहुत काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा मैंने खत्म कर लिया है। सो ये वाला लिप बाम काफी अच्छा है, काफी देर तक आपके लिप्स को हाइड्रेट रखता है। सो ये सूखने के बाद देन मैं आती हूँ। सो मेरा फेस सीरम जो है वो काफी अच्छा से सूख गया है, एंड आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरे का ग्लो। वाओ मतलब रियली। सो अभी मैं एक मॉइस्चराइजर यूज करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ नाइट क्रीम ही क्यों ना यूज कर लूँ, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज चुका है रात का, एंड मैं नाइट क्रीम के लिए ये वाला नाइट क्रीम मैं यूज करने वाली हूँ अभी। ये है द मॉम्स को डॉट का एज कंट्रोल नाइट क्रीम। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये वाला नाइट क्रीम मैं अभी यूज करने वाली हूँ। ऐसा दिखने में है ये वाला नाइट क्रीम। बहुत ही मिनिमम सा इसका फ्रेग्रेंस है, मतलब ना के बराबर। इससे पहले एक बार मैंने इसे यूज किया है। आप लोग चाहो तो आप लोग के मॉइस्चराइजर के साथ थोड़ा सा टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके देन आप लोग लगा सकते हो, अगर आप लोगों को एक्ने हो रखा है। अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज काफी चीज मैंने यूज कर लिया है मेरे एक्ने को ट्रीट करने के लिए। सो इसीलिए मैंने अभी यूज नहीं किया है। एंड टी ट्री ऑयल काफी अच्छा से काम करता है एक्ने पे। काफी अच्छा सब लोग कर रहे हैं मेरा फेस। ओह मेरे फेस देख के मुझे तो मतलब क्या ही बोलूं, प्यार आ रहा है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। सो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड पहली बार मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल बटन भी हिट कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है।
सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।